राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की ओर से कल राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जन दिवस मनाया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार जैन ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य इस दिन पूरे प्रदेश की जनता में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील अरोड़ा ने बताया कि जानकारी के अभाव में दुर्घटना में अंग भंग मरीज उचित इलाज नहीं करवा पाते हैं, ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी की सही जानकारी उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। 200 लोग भाग लेंगे और इसमें जो व्याख्यान होंगे उसमें सभी जगह से दिल्ली, मुंबई, पुणे और अपना एमपी साइड से और यूपी साइड से काफ़ी सारे लोग जो हैं व्याख्यान देने के लिए आएंगे और इसमें जो भी लेटेस्ट टेक्निक अभी चल रही है प्लास्टिक सर्जरी की उसके बारे में सब अपने अपने व्याख्यान देंगे, जिससे कि आने वाले प्लास्टिक सर्जन जो भी यहाँ आएंगे जो इसको अटेंड करेंगे उनको नई तकनीक के बारे में पता लगेगा, जिससे सभी लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर्स तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम भी रहेगा जिसमें कि पब्लिक को काफ़ी फायदा मिलेगा। 23-24 जुलाई को जयपुर में ही एक निजी होटल में कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि बेसिकली प्लास्टिक सर्जन्स के लिए है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, कुछ सिखाने आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग सीखने आ रहे हैं और ये पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हैं, दिल्ली से हैं, चेन्नई से हैं, बेंगलोर से हैं, लखनऊ से हैं और इसका एक ही पर्पज़ है कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स प्लास्टिक सर्जरी के अवेलेबल हैं अभी जो दुनिया में हो रहा है काम वो एक तरह से जयपुर पहुँचे और जयपुर के जो पेशेंट्स हैं वो लाभान्वित हों और उन्हें बेस्ट सर्विसेज एक उचित रेट पर अवेलेबल हो, उचित प्राइस पर अवेलेबल हो।